हे नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक्नोलॉजी चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मी आई आर केबल के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे आप उसको अपने मी टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, जिससे आप अपने टीवी के रिमोट से ही अपने सेटअप बॉक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की तरफ देख लेते हैं कि बॉक्स कैसा आता है और कैसे आपको इसको इंस्टॉल करके और कैसे आपको सेटअप वगैरह करना है। दोस्तों अगर आप इसकी पैकेजिंग देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसकी पैकेजिंग मिल जाती है। बिल्कुल सिंपल सा ये बॉक्स है। ये दोस्तों 299 इसकी प्राइस है और ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको mi.in पे देखने को मिलेगा या फिर आपको मी स्टोर पे ये केबल आपको मिल जाएगी, आईआर केबल। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि इस केबल के साथ आपको क्या कुछ और कॉन्टेंट देखने को मिलता है या नहीं। तो दोस्तों इस बॉक्स में आपको ये केबल मिलती है, इसके साथ आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है। तो यूजर मैनुअल का कोई काम नहीं है क्योंकि मैं आपको आज पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ। तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखोगे, ये दोस्तों आपको जो दो पॉइंट दिख रहा है इसको आपको अपने सेटअप बॉक्स के सामने रखना है, जिससे ये आपके सेटअप बॉक्स को कमांड दे सके जो भी आप रिमोट से टीवी के चेंज वगैरह करते हो, तो वो ये सारे काम करेंगे। दोनों इनको आपको अपने सेटअप बॉक्स के सामने रख देना है। और दोस्तों ये वाला जो पार्ट आपको मिलता है यूएसबी जैसा अगर आपको दिख रहा है ये, तो ये दोस्तों सिंपली आपको अपने मी टीवी में कनेक्ट करना है यूएसबी पोर्ट में। आप इसको किसी अदर पोर्ट में मत लगाइएगा, किसी ऐसा नहीं कि आप ये वाला हिस्सा आप सेटअप बॉक्स के सामने रख दो और इसको आप किसी एडाप्टर में लगा दो तो दोस्तों ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल आपको ध्यान से अपने टीवी के यूएसबी पोर्ट में ही इसको लगाना है। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट से मैं यूएसबी पोर्ट में लगा देता हूँ और जो सामने वाला हिस्सा है इसको मैं अपने सेटअप बॉक्स के सामने आपको लगा के इसके बाद आपको टीवी में दिखाता हूँ कि किस तरह से दोस्तों ये काम करने वाला है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो मैंने अपने टाटा स्काई के सामने इसको ऐसे रख दिया टेम्पररी। यहाँ पर एक दोस्तों ग्लू टाइप का है, आप इसको निकाल के, इस टेप को निकाल के आप इसको इसमें परमानेंटली इंस्टॉल कर सकते हो, बट मैं अभी दोस्तों कुछ इस तरह से इसको रख दे रहा हूँ, ये फिर भी काम करेगा। तो मैं दोस्तों कुछ इस तरह से इसको लगा देता हूँ, इसके बाद में अब आपको टीवी में दिखाता हूँ कि आपको क्या कुछ चेंजेस या फिर क्या सेटिंग आपको वहां पर करना होगा। अब दोस्तों सिंपली आपको अपने टीवी के होम स्क्रीन पे आ जाना है। इसके बाद में दोस्तों आप स्क्रॉल करके ऐप्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टीवी गाइड बोल के। आपको दोस्तों सिंपली इसके ऊपर में एक बार आपको क्लिक कर देना है। आप अपने केबल को यूएसबी पोर्ट में लगा दीजिए और जो रिसीवर उसको आप सेटअप बॉक्स के जब सामने रख देंगे तो अब दोस्तों आपको इस टीवी गाइड में आना है, सेंसी टीवी गाइड में दोस्तों इस ऐप में आपको चले आना है। इसके बाद में फर्स्ट टाइम दोस्तों आपको सेटअप करने के लिए यहाँ पर जाना होगा। दोस्तों आपको सेटिंग के अंदर में आप सेटिंग पे क्लिक करिए, इसके बाद में यहाँ पर एस टी बी सेटिंग के ऊपर जाना आपको क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो कि मी आई आर केबल कनेक्टेड हमको यहाँ पर दिखा रहा है। अब दोस्तों सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इनपुट सोर्स है कि वो कहाँ पर आपको इनपुट देगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा HDMI 2 सिलेक्ट है, बट मैं दोस्तों इसको मास्टर कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि मास्टर में ये फिलहाल अभी चलने लगा है। अब इसके बाद में दोस्तों आपको केबल और DTH की जो सेटिंग है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके जितने भी ऑपरेटर होंगे वो सब दोस्तों आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एयरटेल है, DD फ्री डिश है, डिस नेक्स्ट वगैरह है, डिस टीवी है, सन डायरेक्ट है, सब दिख जा रहा है। मेरा जैसे टाटा स्काई है तो टाटा स्काई पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। लेकिन दोस्तों अगर इस लिस्ट में आपका जो सेटअप बॉक्स है वो आ नहीं रहा है, आपका कोई लोकल केबल ऑपरेटर से आप लिए हो, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा केबल ऑपरेटर्स बाय सिटी। यहाँ पे दोस्तों आप सिटी वाइज उसको फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी कोलकाता की बात करूँ, मैं कोलकाता में, तो मैंने कोलकाता यहाँ पर सिलेक्ट किया। तो दोस्तों कोलकाता में इतने लोकल जो है वो सर्विस प्रोवाइडर हैं केबल के, तो मेरा अगर टाटा स्काई का नहीं होता तो इसमें से जरूर मेरा किसी का होगा, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों मेरा जैसे ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, बस दोस्तों इतना ही आपको काम यहाँ पर करना होगा। इसके बाद में रिमोट के अंदर में जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑल टू रिमोट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है नहीं। जब आप ऑन एयर ऐप को खोलोगे तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर ये सारी चीजें दिखेंगी। अब दोस्तों आपको सिंपली अगर चैनल वाइज देखना है तो आप सिंपली चैनल्स पे क्लिक करिए, तो यहाँ पर आपको चैनल वाइज बिल्कुल ये सब ऐसे मिल जाएगा, पूरा एक हिसाब से पूरा चैनल वाइज ऐसे आपको मिल जाएगा। अब जो भी चैनल आपको देखना है सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक करिए और आप वो चैनल देख सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फिल्टर भी है। अब मैं एक बात और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर बैक एक बार करता हूँ और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमको प्रीव्यू भी दिख रहा है कि सोनी HD पे भी क्या आ रहा है, कलर्स HD पे क्या आ रहा है, कुछ जो चैनल मैं सब्सक्राइब किया हूँ वो भी दिखा रहा है, जिसको मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी
यहाँ पे दोस्तों मुझे दिख रहा है। तो ये जो प्रीव्यू है, जब आपका टीवी इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तभी आपको ये प्रीव्यू दिखेगा, क्योंकि ये इंटरनेट से सिंक कर रहा है कहीं ना कहीं डेटा, और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या चल रहा है वो सब कुछ यहाँ पर दोस्तों आपको दिख जाएगा। अब जैसे कि मैंने जो यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरा है दोस्तों सोनी HD है, तो आप देख सकते हो कि सोनी HD ऑटोमेटिकली 128 यहाँ पर क्लिक हो गया और यहाँ पर सोनी HD मेरा प्ले होने लगा। अब दोस्तों अगर मुझे कोई और चैनल यहाँ पर देखना है तो आप देख सकते हो, यहाँ पर सब कुछ आपको दिखा देता है कि भैया किस पे क्या आ रहा है, और यहाँ पर आप पूरा सब कुछ देख सकते हो। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर टीवी चैनल्स पे आप जाओगे तो पूरी लिस्ट तो आपको दिख ही जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको वॉइस कमांड से अपने चैनल को एक्टिव करना है तो सिंपली आप ये सर्च आइकॉन पे क्लिक करिए, यहाँ पर आप सोनी HD, मैंने सोनी HD की दोस्तों यहाँ पर कमांड दी और देख सकते हो कि सोनी HD यहाँ पर आ गया है। सोनी HD के जो चैनल है वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी दोस्तों आप देख सकते हो कि जो भी चैनल वगैरह मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ ये मेरे टीवी के रिमोट से ही हो रहा है। आप देख सकते हो कि मैंने जो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब किया अपने टाटा स्काई का, वो मुझे यहाँ पर चलता हुआ दिखेगा। जिसको मैंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो नहीं दिखेगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने सेटअप बॉक्स के रिमोट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं से अपने टीवी के रिमोट से आप टीवी को भी ऑपरेट कर सकते हो, आप दोस्तों अपने सेटअप बॉक्स को भी ऑपरेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आप जो है IR केबल को खरीद सकते हैं और उसका यूज आप कर सकते हैं अपने मी टीवी के साथ। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें आने वाले कुछ ऐसे ही वीडियोस के अपडेट के लिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।